हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी गार्डनर दोस्त मोनिका। आज पोर्चुलाका के बारे में बात करेंगे हम। ये देखिए मेरे पोर्चुलाका के फ्लावर्स। ये फ्रेंड्स मैंने अभी लगाए हैं। जैसे सर्दियों की पौध होती है पेटूनिया, पेंजीज, डेलियाज, उसी तरह से गर्मी की ये सीजनल फ्लावर हैं। ये गर्मी में ही फूल देते हैं फ्रेंड्स। और जितनी ज़्यादा इनको सनलाइट में, आप फुल सनलाइट में रखिए, जितनी ज़्यादा इनको धूप मिलेगी उतने ही इनके फ्लावर्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। ये सक्यूलेंट प्लांट है फ्रेंड्स, ये देखिए ये सक्यूलेंट है। और इसके अंदर ऐसे पानी होता है लीव्स के अंदर, ये देखिए इसके स्टेम के अंदर भी पानी होता है फ्रेंड्स। अब आप देख रहे होंगे कि मेरे गमले में ये इतने से पोर्शन में लगे हुए हैं। ये बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं। अभी मैंने इनको 2-3 दिन हुए हैं लगाए हुए, और ये अभी 1 हफ्ते बाद देखेंगे तो पूरे गमले को कवर कर लेंगे। बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं ये। तो जब कभी आप ऐसे लें तो एक एक गमले में इतना इतना एक प्लांट ही लगाएं तो ये अच्छे ग्रो करते हैं। इनको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए। जब ये सूख जाए तो इसमें पानी दे दीजिए, तो ये पानी की थोड़ी सी कमी भी बर्दाश्त कर लेते हैं। इसीलिए ये समर फ्लावर्स हैं। और गर्मियाँ निकलने के बाद फिर ये प्लांट मर जाते हैं, और नेक्स्ट सर्दी में आपको दोबारा से इनको लगाना पड़ता है। और इनको खाद भी आप मंथली एक बार नाइट्रोजन रिच मैन्योर फर्टिलाइज़र दे दीजिए, NPK दे दीजिए 1 चम्मच 1 लीटर में घोल के, और वो थोड़ा थोड़ा आप शाम के टाइम, लेकिन ऐसा कुछ भी जब भी देना है तो शाम के टाइम दीजिए, महीने में एक बार बहुत है। और ज़्यादा देना हो तो और ज़्यादा डाइल्यूट कर दीजिए, 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच मिला के दे दीजिए, या गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसमें इस टाइम गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स। इसको उगाना बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करना। ऐसे इसकी कटिंग्स को तोड़ के, आप ऐसे लगा दीजिए तो ये ग्रो कर जाती हैं। अभी मेरे पास, मैं फिंगर से ही करती हूँ होल, और ऐसे इसकी कटिंग को आप लगा दीजिए, ऐसे इसकी कटिंग्स भी लग जाती हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है, ये सीड से भी ग्रो करते हैं। सीड से बहुत सस्ते पड़ते हैं ये ग्रो करने तो, लेकिन सीड से एक प्रॉब्लम रहती है। अब जब आप सीड लाएंगे उसको लगाएंगे तो वो 1-2 हफ्ते तो उसको सीड को स्प्राउट होने में लग जाते हैं, फिर 1 महीना वो थोड़ा सा साइज बड़ा होने में लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से तो आप इसकी पौध बाजार से जो खरीद के लाते हैं वो आपको सही पड़ती है। थोड़ी सी महंगी रहेगी लेकिन सही पड़ती है। वो महंगी इसलिए पड़ती है कि वहाँ पे ग्रीन हाउसेज में उगाए जाते हैं, तो इसलिए जो है ये सीड से ग्रो कर सकते हैं। अगर सीड से ग्रो करना है तो पौध निकलेगी, फिर उसे ट्रांसप्लांट करिए। और अगर किसी को क्यारी में ऐसे ही लगाना है इसको, तो सीड्स को क्यारी में ऐसे स्प्रिंकल कर दीजिए, अपने आप ये उग जाते हैं। लेकिन ये क्या फ्रेंड्स, प्लांट्स के बीच में लगाएं। क्यारियों में अगर आपने लगाना है तो बड़े प्लांट्स के बीच में, ऐसी जगह जहाँ धूप आती हो वहाँ अच्छे रहते हैं। अगर आप क्यारी में पूरे ये लगाएंगे तो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है वो हिस्सा, क्योंकि ये ऐसा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते हैं ये फ्लावर्स, ये बेड्स बनाते हैं, वो ही ठीक रहते हैं। हाँ, गमलों में लगाएं तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। और आप हैंगिंग बास्केट्स में लगाइए इनको। अभी आपको ये लग रहा होगा मेरे ये छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े हो जाएंगे अब ये, और समर में ही ये रहते हैं। और इनसे ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए ये देखिए, ये जो इनके भी स्पेंट फ्लावर्स हैं उनको आप उतारते जाइए, स्पेंट फ्लावर्स को उतारते जाएंगे तो ये ज़्यादा आगे से आगे इनमें फ्लावरिंग होगी। अब आप देखिए मेरे इसमें कितनी सारी बर्ड्स आ रही हैं, ये देखिए। तो पुराने फूलों को आप साथ साथ तोड़ते जाइए तो आपको फ्लावर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, नई बर्ड्स आएंगी, क्योंकि ये सूखी हुई जो है ये न्यूट्रिशन लेती रहेंगी, और प्लांट को भी इंडिकेशन अच्छा। जब ये समर के बाद मरने लग जाते हैं और नेक्स्ट विंटर में ये फ्लावर ग्रो नहीं करते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जब इनका एंड आ जाता है, जब विंटर शुरू होने लगती है, तो आप इनके सीड्स फ्लावर्स को छोड़ दीजिए सूखने के बाद भी,
और उनको सीड्स आने दीजिए, और सीड्स कलेक्ट करके आप रख सकते हैं, और नेक्स्ट फिर आप अगले साल फरवरी में फिर इनके सीड्स को ग्रो कर सकते हैं, उससे आपको ये प्लांट्स आपके ग्रो कर जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है, और मिट्टी इनको वेल ड्रेन्ड ही चाहिए फ्रेंड्स, जैसी ऑर्डिनरी होती है, और गर्मी में आप बिल्कुल धूप में रखें, अगर आप इनको धूप में नहीं रखेंगे तो इनमें फूल नहीं आएंगे। और एक चीज और, ये देखिए, ये जो ये देखो इसमें भी कलियां आ रही है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पोर्चुला का की एक और वैरायटी है, इसमें भी बहुत कलरफुल फूल लगते हैं। मैंने इस एक में चार पांच तरह के लगाए हुए हैं, अभी इस टाइम फूल नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको कैसे दिखाऊं, लेकिन इसमें जो फूल आते हैं वो सिंगल पत्ती के आते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं फ्लावर फ्रेंड्स, ये देखिए, ये रोज जैसा फ्लावर है, इसको मॉस रोज भी कहते हैं इनको, पोर्चुलाका को, लेकिन इसमें जो फ्लावर्स आते हैं वो आते बहुत सुंदर कलर में है, लेकिन वो एक वर्ल ऑफ पेटल्स होता है, उसमें एक ही सिंगल वर्ल होता है पेटल्स का, लेकिन ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, ये भी पोर्चुलाका की वैरायटी है, इसको भी फुल धूप अच्छी लगती है। जब इसके फूल आएंगे तो मैं किसी और वीडियो में ये भी शेयर करूँगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसे भी फॉलो और लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।